फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत प्रधान। दोस्तों, एफटीआर सीरीज में पर्यावरण का तीसरा महत्वपूर्ण सेशन आज हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन लेयर, एसी ड्रेन, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन, उससे संबंधित व्यक्ति आदि चीजों को हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। सो लेट वी स्टार्ट टुडे सेशन ऑफ एफटीआर। स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, आप निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक है? स्मग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई एस। तो प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। प्राइमरी प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक में क्या अंतर है? ऐसे प्रदूषक जो प्रकृति में जिस भी अवस्था में रिलीज होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, उसी अवस्था में ही वो क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके प्राइमरी प्रदूषक हैं, प्राथमिक प्रदूषक हैं। प्लास्टिक भी इसमें लिख सकते हैं आप, ठीक है। जिस भी अवस्था में रिलीज हो रहे हैं पर्यावरण में, उसी में ही सीधा प्रदूषण फैलाना चालू कर दिए। बट द्वितीयक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो प्राइमरी के साथ क्रिया करके, जैसे प्राइमरी प्लस मान लो इसे एक्स मान लेते हैं, तो ये बन जाता है द्वितीयक प्रदूषक। और द्वितीयक प्रदूषक में जैसे उदाहरण लेते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ पे प्राइमरी था तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल गया। नाइट्रोजन की ऑक्साइड जैसे H2 के साथ रिएक्शन करे, क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड में बदल गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं पराक्सी एसिटल नाइट्रेट आदि आदि, ये सब चीजें क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है। ऐसे ही क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं स्मग। स्मग बराबर क्या होता है, स्मग बराबर होता है आपका स्मोक, स्मोक प्लस फॉग, ये होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और स्मोक का अगर कंपोजिशन पूछा जाए तो क्या क्या आ जाएगा, स्मोक का कंपोजिशन पूछा जाए तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन की ऑक्साइड जैसे NO2 आदि, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मतलब सल्फर के ऑक्साइड SO2, SO3, ये क्या है आपके, ये स्मोक का कॉम्पोजिशन है, स्मोक की संरचना है। तो इतने मतलब हार्मफुल टाइप की गैसेस अवेलेबल होती है इस स्मोक में। तो स्मोक प्लस फॉग मिलके क्या बना जाएगा, स्मग बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है। बाकी चीजें देख रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। फ्लाई एस जो है, जो कोल के दहन से उत्पन्न होता है, ये भी क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है, उसी अवस्था में ही प्रदूषण फैलाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, लाइकेन सबसे अच्छी सूचक है किसका, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शहरी क्षेत्रों में सामान्यतः क्या है, लाइकेन जो वनस्पति है नहीं मिलती। ऐसा इसलिए क्योंकि शहरी क्षेत्रों के आसपास उद्योग होते हैं और उद्योगों से निकलने वाला जो प्रदूषित गैस है, इसके कारण क्या है, वायु प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण के कारण शहरी क्षेत्रों में लाइकेन का प्रेजेंस नहीं हो पाता, दैट्स वाई ये क्या करते हैं, ये वायु प्रदूषण के सूचक कहलाते हैं। अर्थात जिस भी क्षेत्र में लाइकेन का प्रेजेंस है, तो उस क्षेत्र में मान सकते हैं कि वायु प्रदूषण का स्तर जो है, मतलब अच्छा है, यानी कि वायु शुद्ध है कह सकते हैं, वायु प्रदूषण जो है वहां नहीं है, ये मान सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहा है, का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है। ये UPSC 2016 का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के इसे कॉपी किया है क्योंकि यहां से प्रश्न हमेशा ही इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखिएगा। पहले मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित जो है 8 महत्वपूर्ण ऐसे गैसों का या ऐसे फैक्टर का नाम यहाँ पे उल्लेखित करूंगा। तो AQI, ठीक है, ये जो इंडेक्स बनता है, जैसे दिल्ली NCR क्षेत्रों में प्रदूषित वायु का जो स्तर मापा जाता है, जो मानक लिया जाता है, इन्हीं 8 महत्वपूर्ण गैसों के हिसाब से लिया जाता है। तो वो कौन कौन से, याद रखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए है ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद लिखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके बाद लिखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद यहाँ पे ओजोन, ठीक है, देन आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया भी प्रदूषक है, और उसके बाद देखते हैं लेड, इसके बाद पर्टिकुलेट मैटर PM10 और पर्टिकुलेट मैटर PM
2.5, ठीक है ना। पार्टिकुलेट मैटर मतलब कणिकीय पदार्थ, तो ये पार्टिकुलेट मैटर जो है ये भी काफी हार्मफुल होते हैं, तो इनका ये साइज है, ठीक है। तो 10 और 2.5 ये और छोटे माइक्रोन में आते हैं और ये पीएम 10 में आते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है ओवरऑल देखा जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है ये 8 महत्वपूर्ण फैक्टर को मापा जाता है। तो उसमें से देखिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, उसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इसके बाद देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या, यस 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है क्या, है बिल्कुल, देखिए। और मीथेन है क्या, मीथेन नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या क्या है, 2, 3 और 4 ऑप्शन में है क्या, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली यूपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत सरल तरीके से आपने सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे हमको इन बातों को ध्यान रखना होगा, ये जो पोल्यूटेंट है, प्रदूषक है, इनको बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बिल्कुल ही बनेंगे हमेशा ही, क्योंकि ये वास्तव में वायु प्रदूषण का जो स्तर मापा जाता है उसका मानक है। क्लियर हो गया, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सुमेलित है, सही मैच करना है। क्या क्या है देखो, नाइट्रेट से क्या इटाइटाई डिसीज होता है, कैडमियम से मिनी मार्टा डिसीज होता है क्या, पारा से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है क्या, और आर्सेनिक से ब्लैक फुट होता है क्या। हमको यहाँ पे सुमेलित करना है, देखिए कौन सा सही है। तो नाइट्रेट से वास्तव में क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक। कैडमियम से इटाइटाई डिसीज होता है, मिनी मार्टा डिसीज पारा से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास, ब्लू बेबी सिंड्रोम की जगह यहाँ पे एक पारा के सामने अगर लिखें तो मिनी मार्टा डिसीज होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी प्रश्न निश्चित तौर पे बनते हैं, ठीक है। और डी आर्सेनिक, आर्सेनिक से यस ब्लैक फुट डिसीज होता है, ये सही मैच है, तो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, HCl, HNO3, H2SO4 और H2CO3, किसकी होती है। आपको पता है कि जो अम्ल वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है। तो इससे क्या बनता है, H2SO4 बन सकता है और इससे क्या बनता है, HNO3 बनता है, ठीक है। अब इसका जो रेशियो देखा जाए तो 70% क्या है सल्फ्यूरिक एसिड और करीब 30% जो है नाइट्रिक एसिड जो है, इसका अनुपात सामान्यतः माना जाता है 7:3 भी आप कह सकते हैं। तो क्या इसमें देखें कि क्या क्या ऑप्शन है, किसकी मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पे सी इसका आंसर है, सी, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन यहाँ पे देखो H2CO3 भी है, तो H2CO3 भी बनता है लेकिन वो अल्प मात्रा में बनता है और उतना स्ट्रॉन्ग यानी कि उसकी जो पीएच वैल्यू है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, वो कम होती है, यानी कि एक पुअर प्रकार का, कमजोर प्रकार का अम्ल है, इसलिए हम उसे नेग्लिजिबल, नगण्य मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, भारत में अम्ल वर्षा सबसे पहले कहाँ देखा गया, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ठीक है। सबसे पहले 1974 में मुंबई सिटी में ये अम्ल वर्षा देखा गया। और अम्ल वर्षा के बारे में एक दो फैक्ट और यहाँ पे नोट कर ले, इसको डिकॉन डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले किन्होंने देखा, वो है रॉबर्ट स्मिथ, रॉबर्ट स्मिथ ने सबसे पहले देखा था। और इसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसका पीएच कितना होता है, 5.6। आपको पता होगा पीएच स्केल, जिसकी खोज, जिसको डिस्कवर किसने किया था, सोरेंसन ने किया था। तो यहाँ पे देखते क्या है, 14 के स्केल में जहां पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापते हैं, यदि 7 हो तो ये उदासीन होता है, ये आप बहुत सरल भी है, और 7 से यदि कम हो तो ये अम्ल होता है और ये क्या होता है, क्षार होता है या बेस होता है। तो 7 है तो एग्जैक्ट उदासीन, यहाँ पे कितना है, 5.6 है, तो ये क्या है, अम्ल है, और एक स्ट्रॉन्ग अम्ल भी कह सकते हैं आप इस केस में, 5.6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका अम्ल वर्षा सबसे पहले देखा गया था मुंबई में, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सुमेलित नहीं है, पूछा है आपको, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1976, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। एक सेकंड लगना चाहिए क्वेश्चन को, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये 1976 लिखा है, एक्चुअली ये 1972
होना चाहिए, तभी ये करेक्ट मैच है। तो सुमेलित नहीं है तो आंसर तो यही पता चल गया। बाकी का आपको एडिशनल नॉलेज है, नोट कर लीजिए। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था और इसी समय सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो बना था है ना, ये जो आप देखते हैं 1974 में जो जल प्रदूषण अधिनियम आया उसी दौरान बना था, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी 1974 ही होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए स्टार्टिंग में प्रदूषण को लेकर, जल प्रदूषण के लिए कोई ऐसा नियम नहीं बना था, उसके तुरंत बाद क्या हुआ, इसमें अमेंडमेंट किया गया और वायु प्रदूषण अधिनियम को भी इसमें जोड़ा गया। तो ये अधिनियम कब बना, 1981 में बना। मैंने पहले जल प्रदूषण के लिए नियम बना था, उसके बाद वायु प्रदूषण के लिए बना 1981 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये तो बहुत ही फेमस है ना, तो ये 1986 इसका जो है ईयर है। तो इसमें आंसर क्या है, ए है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, भारत का जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबा आमटे, राजेंद्र सिंह, मेधा पाटकर, अन्ना हजारे। बाबा आमटे और मेधा पाटकर दोनों ही नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक है। और यहाँ पे राजेंद्र सिंह को क्या है, भारत में जल संरक्षण के लिए विशेष कार्य के लिए अभियान चलाने के लिए इनको क्या है, भारत का जल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अन्ना हजारे आपको पता है जन लोकपाल के लिए आंदोलन चलाए थे, तो इसमें उनका संबंध नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित नहीं है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर एग्जैक्टली मैच्ड है, आपको पता है 16 सितंबर 1985 को ही क्या है, वियना सम्मेलन हुआ था, उसके बाद से विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष क्या है, आप देखते क्या है, 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, बिल्कुल करेक्ट मैच्ड है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, ये भी करेक्ट मैच है। विश्व वानिकी दिवस 5 मई नहीं है, ये 21 मार्च है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही इसका आंसर है, जो सुमेलित नहीं है, डी इसका राइट आंसर है। इज इट क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला क्या है, एप्पिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सांध घाटी आंदोलन, और उससे जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति, इनका यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये हमको ढूंढना है। एप्पिको आंदोलन, पांडुरंग हेगड़े, बिल्कुल सही मैच्ड है, और इसे और किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है, तो ये तो सही मैच्ड है। चिपको आंदोलन क्या है, वास्तव में हमने क्या किया था, पेड़ों को हमने क्या है, गले लगाया था और एक प्रतीकात्मक संदेश दिया था कि हमको क्या है, पेड़ों की रक्षा करनी है, पर्यावरण की रक्षा करनी है। तो चिपको आंदोलन से संबंध क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा है। और कुछ यहाँ पे एडिशनल नाम दो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कौन कौन से हैं, गौरा देवी और दूसरा नाम है चंडी प्रसाद भट्ट। ये दो महत्वपूर्ण हस्ती हैं जो इसी चिपको आंदोलन से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो तीन नाम आ गए, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर भी है और ये बाबा आमटे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों नाम इसमें आ जाएगा। सांत घाटी आंदोलन, साइलेंट वैली जो दक्षिण भारत में है, बेसिकली इसमें जो नाम है, केरल के स्थानीय लोग एवं डॉक्टर सलीम अली इनका नाम इसमें शुमार है। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली जो है बेसिकली क्या कहलाते हैं, भारत में पक्षी विज्ञान के जनक या फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया। क्लियर हो गया, तो ये है इसका आंसर क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सही मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इंडियन स्टॉप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहां पे स्थित है, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। तो याद रखिए ये फैक्ट है, 5 जून को एवरी ईयर हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो 5 जून 1980 को दिल्ली में क्या है, इसे स्थापित किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर क्या है, ए है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सुमेलित नहीं है। फिर से यहाँ पे फिर से महत्वपूर्ण आंदोलन के नाम आ रहे हैं, उससे जुड़े हुए लोग का नाम आ रहा है। तो बिश्नोई आंदोलन से कौन रिलेटेड है, संत जाम्भोजी, बिल्कुल सही मैच है। बलियापाल आंदोलन, बलियापाल क्षेत्रवासी है। नवदानिया आंदोलन, वंदना शिवा। मैती आंदोलन क्या है, पांडुरंग हेगड़े।
तो पांडुर हेगड़े अभी हमने देखा वो अप्पिको आंदोलन से रिलेटेड है और इससे जो रिलेटेड है मैती आंदोलन से रिलेटेड है कल्याण सिंह रावत जो बेसिकली कहां से है और ये आंदोलन कहां चला था, उत्तराखंड पे चला था। बिश्नोई आंदोलन जो है वहां पे संत जांबोजी के अलावा अमृता देवी बिश्नोई का नाम भी आप लिखिए और इन्हीं के नाम पर अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर ही क्या चलाया जाता है, वन्य संरक्षण पुरस्कार जो है इनके नाम से दिया जाता है, वन्य संरक्षण पुरस्कार, ठीक है, तो वो नाम भी है। बलियापाल क्षेत्रवासी जो है बेसिकली ये मिसाइल टेस्टिंग रेंज चांदीपुर के पास है और ये उड़ीसा में स्थित है, इसके कारण क्या है, मिसाइल टेस्ट बार बार करने के कारण उस क्षेत्र की जो भूमि है वो बंजर हो रही है, इसके विरुद्ध वहां के क्षेत्रवासियों ने ये आंदोलन चलाया था। नवदानिया आंदोलन जो है वंदना शिवा और इनकी फेमस बुक का नाम भी एग्जाम में आ चुका है, टुमारोस बायोडाइवर्सिटी, है ना, टुमारोस बायोडाइवर्सिटी जो है इनका बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये अभी भी काफी सर्विस दे रही है। वंदना शिवा के बारे में आप जरूर पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट हस्ती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, नवदानिया आंदोलन और बेसिकली जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करती हैं। मैथी आंदोलन मैंने बता दिया, कल्याण सिंह रावत, तो इसका सुमेलित नहीं है वाला क्या आंसर, डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून, मनाली, कलकत्ता या मुंबई। देहरादून में क्या है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, मनाली में ऐसा कुछ नहीं है जो इससे रिलेटेड हो और कलकत्ता में यस, ये जो है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। और अगर आपको देख पूछा जाए बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो प्रतीक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेट बनियान ट्री जो कोलकाता के पास स्थित है जो कई एकर्स में फैला हुआ है, इसमें हजारों क्या है बरगद के पेड़ से निकलने वाले रूट्स उसमें हैं, तो ये जो ग्रेट बनियान ट्री इसी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या है प्रतीकात्मक रूप से उसे प्रयोग किया जाता है। एक बरगद का ट्री कई एकड़ में फैला है और एक बरगद के ट्री को कहना चाहिए उसको सर्विस देने वाले कम से कम 10 से भी ज्यादा व्यक्ति उसे देते हैं और ये बहुत बड़े आकार में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वहां पे प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है, मुंबई में नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 16, सूखा कचरा अपशिष्ट को हम नीला डब्बा में रखते हैं क्या, गीला कचरा अपशिष्ट को हरा डब्बा में, खतरनाक कचरा को लाल डिब्बा में या उपरोक्त सभी है। ये बहुत बेसिकली बहुत सरल प्रकार का है लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको यहाँ नीला को हरा, हरा को नीला कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिए गीला चीज जैसे सब्जी जो है अगर गीला हरा होता है तो उससे रिलेट कर सकते हैं, हरा डिब्बा में रखते हैं, सूखा कचरा को हम नीला डिब्बा में रखते हैं, ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अच्छा ओजोन वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो यहाँ पे देखिए आपका ओजोन क्या है, एक तो ग्रीन हाउस गैस भी है, दूसरा ये क्या है ओजोन जो है ओजोन परत बनाता है और समताप मंडल में यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है जो हमारे पृथ्वी के लिए क्या है एक अम्ब्रेला जैसे काम करता है, यानी कि हमको अल्ट्रा वायलेट रेस हानिकारक यूवी रेस से हमको क्या है सुरक्षा देता है। तो अच्छा ओजोन कौन सा है, ग्रीन हाउस गैस वाला है कि परत वाला, तो ऑब्वियसली परत वाला। तो ये जो परत वाला जो ओजोन गैस है सम ताप मंडल में पाया जाता है और जो आप देखते हैं जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में जो ओजोन मिल रहा है ये कहां मिलता है, क्षोभ मंडल में मिलता है, ठीक है। तो यहां पे इसे याद रखिएगा और अगर परसेंट पूछा जाए तो करीब 10% क्षोभ मंडल में होता है, बाकी 90% कहां होता है, समताप मंडल में होता है। तो ये अच्छा ओजोन क्या है, ये अच्छा ओजोन कहलाएगा जो हमको सुरक्षा दे रहा है, ये बैड ओजोन कहलाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो है टेम्परेचर बढ़ाता है, ठीक है, वायुमंडल का तापमान बढ़ा देता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत सरल प्रश्न है लेकिन कंफ्यूजिंग होता है, याद रखिएगा जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें क्या है, आप देखते हैं ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आ जाता है, हमको देखना है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हम क्या देखते हैं यहाँ पे मीथेन, ठीक है मीथेन है, ठीक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है तो मीथेन यहाँ पे आ गया। इसके बाद देखते हैं क्या है, आप यहाँ पे एक और लिख सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी है यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ पे के दूसरे रूप में से जल वाष्प जो है ये है। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये ग्रीन हाउस गैस है और सबसे ज्यादा करीब 60% से भी ज्यादा क्या है, अराउंड 60% का योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो यहाँ पे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो बचा कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यही इसका सही आंसर है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लियर हो गया। 17 क्वेश्चन, भारत में किसे पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, नहीं ये तो क्या है, भारत में हरित क्रांति के पिता है, डॉक्टर रामदेव मिश्रा, नहीं ये भारत में इकोलॉजी के पिता है, डॉक्टर सलीम अली, यस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा भी था भारत में पक्षी विज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, किसी जल स्रोत में यदि जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी की बात कर रहा है ज्यादा है, तब यह जल क्या होगा, स्वच्छ जल होगा, प्रदूषित जल होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता इनमें से कोई नहीं। यहां पर समझिए बीओडी क्या है, बीओडी क्या है, किसी भी जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उसमें उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ है उसके जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक है। समझ गए, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है जल में उसके जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक है वो क्या है, उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। तो यहाँ पे इसकी डिमांड ज्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे कि सामान्यतः क्या है, हम जल में क्या ऑक्सीजन घुली होती है और एक सर्टेन एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उस जल में। तो यहाँ पे यदि ऑक्सीजन की घुलित मात्रा जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो वो डिमांड ज्यादा होगा कि नहीं, उसको भाई उसकी पूर्ति करने के लिए होगा। तो अपघटन कब होता है, यदि अपघटन की बात करते हैं जो सूक्ष्म जीव वगैरह करते हैं ठीक है, या जैव रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो होती है, तो उसमें यदि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, मांग है, मतलब उसमें कम है तभी तो मांग की जा रही है, तो कम है तो अपघटन ज्यादा होता है, ज्यादा ऑक्सीजन है तो ज्यादा अनुकूल परिस्थिति होती है तो वहां अपघटन नहीं होता। तो यहां तक मांग ज्यादा है मतलब ऑक्सीजन कम है ऑक्सीजन मतलब अपघटन ज्यादा है, ज्यादा अपघटन मतलब ज्यादा सड़े गली चीजें और ज्यादा आप वहां पे उसमें स्मेल भी आ सकती है, तो वो उस प्रकार का पानी क्या होगा, प्रदूषित जल ही होगा। स्वच्छ जल का बीओडी जो होता है हमेशा कम होता है, याद रखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी ऑक्सीजन पहले से ही घुलित अवस्था में है ठीक है, तो अराउंड 8 mg/L के आसपास जो होता है, 1 लीटर के हिसाब से अगर देखा जाए उतना ऑक्सीजन होना चाहिए। क्लियर हो गया, वो जिसे डिजॉल्व ऑक्सीजन भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, बी है, निर्धारित बिल्कुल कर सकते हैं इसे ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रदूषित जल होगा इसे मान सकते हैं। उसके बाद देखिए, भोपाल गैस कांड के दौरान किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका उत्तर जो है मिक गैस भी इसे कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट है, साइनाइड मत लिख दीजिएगा, साइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC ठीक है, ये काफी विषैली गैस थी। और करीब क्या है, इसे पता होगा भोपाल गैस कांड का बारे में किस वर्ष हुआ था, ये भी पूछा है, आप इसे नोट करिए, 2 और 3 दिसंबर की रात को, 2-3 दिसंबर 1984 की रात को ठीक है, यहाँ पे भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन नाम की एक फैक्ट्री में ठीक है, जो बेसिकली क्या बनाती थी, वो बनाती थी पेस्टिसाइड या कीटनाशक बनाती थी, तो वहां पे मिथाइल आइसोसाइनेट मिक गैस के रिसाव के कारण हजारों लोग की वहां पे मृत्यु हो गई थी, किस वर्ष, 2-3 दिसंबर 1984 को। तो इसके बाद जो है ये भोपाल गैस कांड जो है वहां से एक बहुत बड़ी सीख मिली थी, हालांकि उसमें जो एक्चुअल में जो कल्प्रिट थे, जो दोषीदार थे, वो अभी तक उनको सजा नहीं दी जा सकी है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, वो एक्चुअल में उस समय की जो डेवलपमेंट है उसको छोड़िए, बट ये बात याद रखिएगा कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपका ये डेट पूछा जा चुका है ठीक है, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन नाम की फैक्ट्री में जो पेस्टिसाइड्स बनाती थी, कीटनाशक बनाती थी। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर क्या है, सी है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है ठीक है, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। ग्रीन मफलर वाला ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दूसरे स्टेट्स के पीएससी एग्जाम्स में। तो बेसिकली जो ऐसे जो ट्री होते हैं, जो घने वृक्ष होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे जो
हार्मफुल टाइप की जो नॉइस होती है, ध्वनि होती है, या बहुत तेज आवाज को क्या कर देते हैं, वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ग्रीन मफलर वास्तव में रिलेटेड है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, जिसके कारण क्या है, ग्रीन मफलर मतलब सीधा सीधा ट्री को कहा जा रहा है कि ऐसे ट्रीज जो है जहां पे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रही है, तो ऐसे घने वृक्षों का वहां पे रोपण करना चाहिए, जिससे कि वो ध्वनि क्या है वहां पे एब्जॉर्ब हो जाए और ध्वनि प्रदूषण ना हो पाए। ये बातें सभी को क्लियर हो गई। तो ग्रीन मफलर का ये कंसेप्ट आपको समझ आया। तो जितने भी जो हरे पौधे हैं, बड़े पौधे हैं, वो इस प्रकार क्या है, जो ध्वनि तरंगों को वो अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण क्या है, ध्वनि प्रदूषण नहीं हो पाता। ठीक है, तो ग्रीन मफलर वाला ये वर्ड कैंची वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कराया। आई होप आप पर्यावरण का तीन महत्वपूर्ण FTR आप सफल तरीके से अटेंड किए होंगे, इसको समझे होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा। और FTR का टेस्ट में जरूर आप पार्टिसिपेट करिए, और एवरी फ्राइडे तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, संडे को, एवरी संडे में जो अभी शेड्यूल है, आप हमारी वेबसाइट में भी जाके विजिट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और ये टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करिए, जिसके बाद आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो FTR सेशन में आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ, दूसरे सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।